झुंझुनू शहर से बगड़ इलाके होती हुए चिड़ावा के लिए सड़क जाती है, जहां से ग्रामीण इलाका शुरू होता है। सड़क के दोनों तरफ हरे भरे खेत नजर आते हैं। राजेंद्र 25 दिन पहले इसी रोड से होकर के जम्मू कश्मीर में अपनी ड्यूटी पर लौटे थे। जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर चिड़ावा से पहले सूबेदार का गांव आता है मालीगांव। गुरुवार दोपहर शहीदों के इस गांव में सन्नाटा था, क्योंकि कश्मीर में राजौरी आर्मी कैंप में हुए आतंकवादी हमले में उनके गांव के राजेंद्र प्रसाद शहीद हो गए। रात के लगभग 2-3 बजे के लगभग राजौरी में उनकी ड्यूटी थी, तो आतंकी हमले में वो शहीद हो गए। गांव में सबसे मिलनसार और जब भी छुट्टी आती थी सबसे मिलजुल के रहने वाले आदमी थे। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति अपने देश के लिए, इस महाभारती के लिए दी है। 48 साल के शहीद सूबेदार राजेंद्र प्रसाद ने कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी की सगाई की थी और नवंबर में ही बेटी की शादी के लिए घर आने वाले थे, लेकिन उनके आने से पहले उनकी शहादत की खबर घर आ गई। और वो बहुत ही व्यवहारिक और रहने के यहाँ हमसे सबसे मिलनसार था, और वो पिछले 16 तारीख को ही गए हैं और अभी आज ये खबर आ गई सुबह। कितने बेटे की? बेटियाँ, एक बेटा शहीद हुए हैं कल ही आज सुबह। वो चाचा लगते हैं वैसे तो, और वैसे मेरी यूनिट से बिलोंग करते हैं। मैं भी उनके साथ में नौकरी की है, 17-18 साल नौकरी की है, तो उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था और एक बहादुर सैनिक थे। वो हर जगह अपने ड्यूटी के अंदर अव्वल रहते थे और वो गेम्स में भी बहुत आगे रहते थे। उनकी ये देश के लिए जो शहीद हुए हैं उनकी हमें बहुत ही गर्व की बात है, और गांव के लिए खास करके जो गांव के नवयुक्त मंडल है वो तो उनकी बेसब्री से इंतजार कर रहा है और उनकी तिरंगा यात्रा के लिए इंतजार कर रहा है। और राजेंद्र भांबू वास्तव में ये एक महान सैनिक थे। राजेंद्र प्रसाद 21 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती हुए थे। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। सूबेदार राजेंद्र काफी मिलनसार थे। उनके गांव के लोग उनकी शहादत पर गर्व कर रहे हैं। सहयोगी विजेंद्र जायसवाल के साथ रौनक पारेख और हरिनाम सिंह की रिपोर्ट।